असलम दियर लर्नर्स एंड वेलकम इन द वीडियो और ये है इस वीडियो का एजेंडा यानी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे द मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस वेंचर इसे पहली वाली वीडियोज़ में हमने स्ट्रटिजिक मैनेजमेंट के हवाले से आपको सेंसिटाइज किया था कि बींग एन ऑन्टरप्र्योर आप ये हर गज़ मत समझें कि स्ट्रटिजिक मैनेजमेंट सिर्फ किताबों की हद तक लिखी हुई एक बात है बिकॉज स्ट्रटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल से लेकर आप जिस तरह अपने इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहे होते हैं वहाँ से लेकर अपने लिए जिस तरह कंट्रोल्स सिस्टम्स क्वालिटी अश्योरेंस बना रहे होते हैं और अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप एक मैनेजर ही होते हैं जो मैनेज कर रहे होते हैं अपने रिसोर्स को अपने इन्वामेंट के अकॉर्डिंगली और अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये वाला जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर आपको और सेंसिटाइज करना है कुछ ऐसे टॉपिक्स के साथ जिनका आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है जब आप अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट करेंगे ये कंसर्न्स और ज्यादा हो जाते हैं जब आप ख़ास तौर पर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहें मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं जिस तरह सबसे पहले जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आपका डिसीजन मेकिंग स्टाइल आएगा बीइंग एन ऑनटरप्रोर एवरी सिंगल डे बल्कि एवरी सिंगल आर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे कभी, कभी, कभी आप अपने रिसोर्स को लेकर डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे कभी आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को लेकर डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे कभी आप अपनी प्रोडक्ट लाइन को लेकर डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे आप डिसीजन मेकिंग करते किस तरह से है क्या आप खुद कर रहे हैं क्या आप लोगों से आइडियाज़ uh, लेते हैं व्यूज़ लेते हैं जिसको हम पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग कहते हैं या क्या आप सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन पे रिलाई करते हैं और सिर्फ जो वो आपको राय दें उसके ऊपर आप रिलायंस uh, जो है अपनी शो करते हैं व्हेन यू आर टेकिंग योर ओन डिसीजन फॉर द बिजनेस सो जब भी बीइंग एन टिपन बिकॉज यू आर अ मैनेजर एज वेल यू आर मैनेजिंग योर रिसोर्सेज तो एक सबसे अहम कंसर्न होगा आपका डिसीजन मेकिंग स्टाइल वो क्या है फिर उसके बाद एक और अहम चीज़ आ जाती है दैट इज़ लीडरशिप बिहेवियर ये भी मैनेजमेंट का एक बहुत अहम कंसर्न है देखिए आप लीडर हैं आपकी जो है वो एक आपका सेटअप है आप ही का बिजनेस है इसका रेवेन्यू जनरेट होगा तो भी आपकी सक्सेस है और अगर ये रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता यहाँ तक कि ब्रेक इवन भी अचीव नहीं कर पाता तो ये भी आप ही का फेलियर कॉन्सिडर होगा आपने अपनी टीम को अपने साथ लेके चलना है अपने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ लेके चलना है आप लीडर भी हैं मैनेजर भी हैं और लीडर भी हैं आपका लीडरशिप स्टाइल और बिहेवियर क्या होगा आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज पढ़ें तो पता ये चलता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जिस टीम ने जिस एम्प्लॉयीज ने उसको ज्वाइन किया पंद्रह साल बीस साल तीस साल हो गए उन सक्सेस स्टोरीज में उन एम्प्लॉयज़ ने क्विट नहीं की वो ऑर्गेनाइजेशन इट्स नॉट बिकॉज के फाइनेंशियल रिवॉर्ड अच्छे हैं इट्स नॉट बिकॉज के वहाँ ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं इट्स समाइम्स बिकॉज के लीडरशिप बिहेवियर बहुत इंकरेजिंग होता है सो so, जब भी आप अपनी मैनेजमेंट कंसर्न्स को देख रहे होंगे तो आपका बिहेवियर एज अ लीडर बहुत काउंट करेगा उसके बाद एक और अहम मैटर आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस। अगर तो आपने अपना वेंचर क्रिएट किया यानी अभी आप अपने वेंचर को इस्टेबलिश कर रहे हैं वो अपने इनिशियल स्टेज़ में है तो फिर ऑब्वियसली स्ट्रक्चर प्रोसेसिस बड़े ब्लर से होते हैं अब हो सकता है सिर्फ एक आप हो और आपके दो तीन लोगों की एक टीम हो और वही मिल के आपका जो है वो बिज़नेस चला रहे हों ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ आइडिया लेकर आए हैं और आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपने आउटसोर्स किए हुए हैं जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास हमारी एक साथी आई थी और उनका आइडिया ये था कि वो विद इन ट्वेंटी आवर्स Uh, जो सूट है उसको स्टिच करके डिलीवर करती हैं उनके अपने झाती कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है बट के उनके कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था वक्त टेलर्स के साथ सो so, इस तरह की भी आउटसोर्स टीम होती है आपके पास सो so, अगर तो आपका बिज़नेस वेंचर नया है तो स्ट्रक्चर्स अभी फ़िलहाल डेवलप नहीं हुए होते हाँ प्रोसेस ज़रूर डिवेलप आपको करने पड़ते हैं आपको पूरा डिज़ाइन करना पड़ता है अपनी सर्विस को और अगर तो वो प्रोडक्ट है तो भी इसको डिज़ाइन करना पड़ता है कि उसके फीचर्स क्या होंगे उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी किस किस कस्टमर uh, को वो टारगेट करेंगे किस तरह आप उस कस्टमर तक पहुंचेंगे कहाँ वो चीज़ रखेंगे कि कस्टमर जाके आपकी वो प्रोडक्ट बाई कर सके ये सारी डिस्कशंस हमने की थी uh, जब हम मार्केटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डिस्कस कर रहे थे ठीक है सो so, कहने का मकसद ये आ जाता है कि अगर तो इनिशियल स्टेज पर हैं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स और प्रोसेस अब इतने डिवेल्प नहीं होते बट अगर आपका बिजनेस ग्रोइंग स्टेज पर आ ही गया है और अब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस को ऑन पेपर लाना पड़ेगा डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं क्या अपनी आने वाली चंद वीडियोस के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आपको बताएंगे और ये आपको हेल्पफुल हो सकते हैं ताकि इन केस अगर आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं तो आप ये देख सकें कि आपको कौन सा बिज़नेस स्ट्रक्चर सूट करता है और प्रोसेस किस तरह से डिज़ाइन होते हैं फिर आ जाते हैं आपके क्लस्टर्स आपके नेटवर्क आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं उस इंडस्ट्री है है। है के क्लस्टर्स कहाँ मौजूद हैं किस जोग्राफ़िकल बाउंड्री में मौजूद हैं वहाँ नेटवर्क्स कोई डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए वहाँ कोई एसोसिएशन डेवलप हुई हैं कि नहीं हुई आपको किसी इंडस्ट्री में जाने के लिए उन एसोसिएशन में जो है उसका हिस्सा बनना है या नहीं बनना तो ये भी बेंग अ मैनेजर आपने देखना है कि आपका जो बिजनेस है जब वो किसी इंडस्ट्री में लैंड कर रहा है किसी इंडस्ट्री के बारे में आप सोच रहे हैं तो वहाँ के क्लस्टर्स और नेटवर्क्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं फिर आ जाती है रिजिलियंस एक ऑन्टरप्रन्योर के लिए अच्छा अगेन रेफरिंग बैक टू दू फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स जिसमें हमने कहा था कि ऑन्टप्रन्योर्स वही हैं जो अपने अनसर्टन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं और सारे ऑर्ड्स का मुकाबला करते हैं ऐसा नहीं हो सकता ख़ास तौर पर हम चूँकि हम पाकिस्तान में हैं हम तो पाकिस्तान की बात करें पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत वॉलीटाइल है इकानमी जो है उसके अंदर शेक्स बहुत जल्दी आ जाते हैं पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से प्राइस का अप एंड डाउन डॉलर रेट का अप एंड डाउन स्टॉक एक्सचेंज का अप एंड डाउन बहुत रैपिड होता है इसलिए हमारा एंटरप्रेन्योर ज़्यादा जो है वो रिस्क टेकर होता है वो ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर समझता है सो अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको हम जो बार बार कहते हैं कि अगर आप इन एक ऑन्टरप्रनोर हैं आपने रिस्क लेना है आपने अपने बिजनेस को चलाना है और अगर कोई सेटबैक आ भी गया है तो आपने अपनी रिजिलियंस शो करनी है बींग अ मैनेजर बिकॉज अगेन बार बार हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज आपके हाथ में हैं। चाहे है, है चाहे वो आपकी टीम है यानी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं चाहे वो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं चाहे वो आपके प्रोसेसेस हैं चाहे वो आपका ब्रांड नेम है वट्स यू हैव इन योर पॉकेट एट द मोमेंट यू नीड टू मैनेज द रिसोर्स और जब सेटबैक होगा तो आप ही ने इन रिसोर्सिस को प्रोटेक्ट करना है आपको रिजिलियंस शो करनी पड़ती है और सेटबैक से बहुत जल्दी नहीं भागना इन अदरवर्ड्स अगर आपका बिजनेस इनिशियल लॉसेस बेर करता है तो आपको अपनी रिजिलियंस शो करनी पड़ेगी कि आप किस तरह उस सेटबैक से उठते हैं और वापस अपने बिजनेस को Uh, एक अच्छे uh, जिसे कहते हैं रेवेन्यू के तौर पे उस उस एक मॉडल को दोबारा जो है वो रिवाइव करते हैं एक बात याद रखिएगा ज़रूरी नहीं है कि आपके बैड डिसीजंस ही आपके बिजनेस का सेटबैक हो या आपके कंपेटिटर्स ही आपके बिज़नेस का सेटबैक हो कोविड नाइन्टीन ने ये शो किया है कि आपका बिज़नेस कितना ही अच्छा क्यों ना चल रहा हो आपका मॉडल कितना ही अच्छा क्यों ना चल रहा हो समाइम इन्वायरमेंट इस किस्म के अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स आपकी तरफ थ्रो करता है जो कि आपके बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं इस ईयर में इन 2020 जिसमें हमने इस पेंडेमिक को डील किया है वही बिजनेस सरवाइव कर सके हैं जिनकी रिजिलियंस पॉलिसी अच्छी थी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम आपको कितनी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि ऑटोमेशन का दौर आता जा रहा है इंसानों की जगह मशीन्स ले रही हैं बींग अ मैनेजर आपको ये ज़रूर डिसाइड करना है कि आपको कितनी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट रिक्वायर्ड है बाज़ आपका बिज़नेस आइडिया और मॉडल ऐसा होता है जिसमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ना भी हो चूँकि आपका जो ह्यूमन कैपिटल है बेसिकली वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है बाज़ ऐसा होता है कि आपका मॉडल बेस ही आई टी पे कर रहा होता है सो so, आपको आई टी रिसोर्स की कितनी ज़रूरत है टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स कितने एडवांस आपने डिवेलप करने हैं अपने अकाउंट्स को आपने रजिस्टर्स के खातों में लिखना है या उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर जो है वो आपने यूज करना है इट्स अप टू यू ये भी आपने ही डिसाइड करना है उसके बाद आ जाती है डिपार्टमेंटलाइजेशन डिपार्टमेंटलाइजेशन ग्रोइंग बिजनेस का कंसर्न हो सकता है देखिए अगर तो आपका बिजनेस का जो सेटअप है वो बहुत छोटा है तो आप डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं देखते आप देखते हैं कि एक ही टेबल पर एक ही रिसोर्स पर्सन यानी एक ही आपका एम्प्लॉय बैठा हुआ है वो आपकी मार्केटिंग को भी डील कर लेता है वो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी मैंटेन कर लेता है और वो हर आने जाने वाले को रिसीव भी कर लेता है एज ए रिसेप्शनिस्ट लेकिन जब आप अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं आपका एक मिडिल साइज बिजनेस है तो मीडियम साइज़ बिजनेसेस के लिए आपने देखा होगा कि जब आप ऑफिस में जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट अलग है एक दो टेबल्स के ऊपर कुछ लोग बैठे होते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये फाइनेंस को डील करते हैं एक दो टेबल्स के ऊपर लोग बैठे होते हैं तो आप कहते हैं कि ये मार्केटिंग को डील कर रहे हैं कुछ टेबल्स पे लोग बैठे होते हैं तो वो कहते हैं कि आप ये आईटी रिलेटेड या डिजिटल सेल्स को जो है वो डील कर रहे हैं सो व्हेन यू आर ग्रोइंग योर बिजनेस मैनेजमेंट कंसर्न बहुत ज़्यादा होगा कि आपने क्या प्रॉपर अपनी डिपार्टमेंटलाइजेशन करनी है या नहीं करनी है और एट दी एंड आ जाती है आपकी एच पॉलिसीज एच पॉलिसीज के लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि चाहे आपका बिजनेस शुरू हो चाहे वो आपका मिड साइज बिजनेस है लार्ज कॉपोशंस में तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स uh, के अंदर होती है यू शुड हैव एन एच आर पॉलिसी आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को कौन से फाइनेंशियल कौन से नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स देने हैं uh, उनके साथ किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना है uh, आप अगर केस वो किसी फ्रॉडलेंड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उनके अगेंस्ट आप Uh, जो है वो क्या एक्शन लीगल एक्शन जो है वो ले सकते हैं इन अदर वर्ड्स अभी तक हमने जितने भी मैनेजेरियल कंसर्न्स आपके सामने रखे हैं अगर आप इन सब को समअप करेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जो वेंचर हैं किसी भी बिजनेस वेंचर वो इस कदर इम्पॉर्टेंट हैं कि यही इकट्ठे मिल के जब एग्जीक्यूट होते हैं तो आपकी बिजनेस की सक्सेस जो है उसको इंश्योर करते हैं बेसिकली कंक्लूजन इज़ कि आपकी बिज़नेस सक्सेस आपके साइज़ या आपके रेवेन्यू या आपके मार्केट शेयर शो तो ज़रूर कर रहे होते हैं बट ऑन द ग्राउंड जितने बेहतर तरीके से आपकी डिपार्टमेंटलाइजेशन हुई हुई है जितनी अच्छी एच आर पॉलिसीज़ हैं जितने अच्छे डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स हैं जितनी अच्छी लीडरशिप है एक्चुअली ये उसका आउटकम ही होता है कि आपके पास एक अच्छी साइजेबल मार्केट अच्छा रेवेन्यू या फिर एक जिसे कहते हैं एक्सपैंडेड बिजनेस आपके हाथ में होता है अगली वीडियोस में देखते हैं कि और क्या हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न्स हो सकते हैं फॉर अ बिजनेस वेंचर